वेब दुनिया में आपका स्वागत है। मीडिया में वर्ल्ड कप मैच फिक्सिंग की चर्चा है, इस बारे में हम बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट शराफत खान से। मेरा पहला सवाल ये है कि मीडिया में चर्चा है कि वर्ल्ड कप फिक्स है। देखिए, व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज की कोई विश्वसनीयता नहीं है। जहां तक बात मैच फिक्सिंग की है तो ICC ने इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। संबंधित बोर्ड भी अपनी टीम को लगातार निर्देशित करते रहे हैं और वर्ल्ड कप में इतनी पुख्ता सुरक्षा है कि हर टीम के खिलाड़ी के आसपास ICC के अधिकारी मौजूद है। इतने पुख्ता इंतजाम के बावजूद ये कहना कि मैच फिक्स है, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई है। पर आम क्रिकेट प्रेमी इसे सच मान रहा है? देखिए, क्रिकेट को लेकर तो यूं भी चर्चाएं होती ही हैं। उन चर्चाओं का एक भाग यह भी है कि क्या मैच फिक्स है, लेकिन उन चर्चाओं की कोई विश्वसनीयता नहीं। अगर हम ताजा मामले को देखें तो पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम को विजेता बताया गया था, लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान यह मैच 150 रनों के बड़े अंतर से हार गया। तो वो जो भविष्यवाणी की गई थी व्हाट्सएप पर, उसकी हवा तो यहीं निकल गई। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया को भी इस बारे में जिम्मेदारी से खबर छापनी चाहिए। सिर्फ एक चर्चा है बाजार में, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज चल रहा है, उसके आधार पे खबर प्रकाशित करना सही नहीं होगा। क्या फिक्सिंग का साया क्रिकेट से कभी हटेगा? ये सही है कि क्रिकेट का अतीत मैच फिक्सिंग जैसे कलंक से भरा हुआ है, लेकिन ICC के साथ साथ सभी क्रिकेट देशों के बोर्ड इस पर लगातार काम कर रहे हैं और अब काफी सख्ती हो चुकी है। इसके अलावा दर्शकों को भी सभी मैचों को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। किसी मैच में एक ओवर में 4 छक्के लग गए या 4 विकेट लगातार हो गए तो ये चर्चा शुरू हो जाती है कि कहीं मैच फिक्स तो नहीं। भारत के कई शहरों में सट्टेबाजी की खबरें भी। क्रिकेट और सट्टेबाजी का साथ लंबा है और क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजन के दौरान सट्टेबाजी की खबरें आती ही हैं। देश के कई हिस्सों में सट्टेबाजी चलती है और भारत में यह अवैध है, लेकिन इसको वर्ल्ड कप क्रिकेट से जोड़ना ठीक नहीं होगा। उम्मीद है ये परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।